हेलो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश विद उत्सव पाठक चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम टेंस पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, आज हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने समझा था पिछले वीडियो में कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट परफेक्ट के लिए हमने वो तीन पॉइंट तैयार किए थे, और वो तीन पॉइंट कौन कौन से थे, रिवाइज़ करिए। हाँ, पहला पॉइंट कौन सा था? कंप्लीट। दूसरा पॉइंट कौन सा था? इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। और तीसरा पॉइंट, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इस परफेक्ट का मतलब हमने इस तीन पॉइंट से समझा था। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं आपसे कहूँ मैं एक कप चाय पी चुका हूँ, अगर हम इस सेंटेंस को समझें तो ये सेंटेंस आप समझ रहे थे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट का, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें तो मैंने जैसे कहा मैं एक कप चाय पी चुका हूँ, चाय थोड़ी देर पहले कहाँ थी? कप में, अब वो कहाँ है? पेट में। ठीक है, अगर मेरे सामने एक और कप लाई जाए और मुझसे पूछा जाए कि सर आप क्या चाय पियेंगे, तो मैं क्या कहूँगा? मैं यही कहूँगा कि मैंने अभी अभी चाय पी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस क्या निकला? अभी अभी चाय मैंने पी है। तो इसी से एक पॉइंट निकल के आता है जिसे हम कहते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट हुआ, अभी कंप्लीट हुआ, तो किस में हुआ? परफेक्ट में हुआ। और अगर हम बात करें टेंस की तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। अगर हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, इसका मतलब हुआ कि जो काम अभी कंप्लीट हुआ उसका असर अभी भी देखा या महसूस किया जा सकता है। ठीक है, और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। अब इस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमने कुछ कीवर्ड्स तैयार किए, और वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली, और इसी का सिनोनिम होता है लेटली। ठीक है, येट, एज येट, जस्ट और ऑलरेडी। अब हम इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रवि फिनिश्ड थ्री चैप्टर्स, रवि फिनिश्ड थ्री चैप्टर्स बाय नाउ। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना पढ़ने की कोशिश करूँ, सिर्फ इतना पढ़ने की कोशिश करूं, तो ये हमें क्या बता रहा है? रवि फिनिश्ड थ्री चैप्टर्स। ये सेंटेंस तो अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा इस बाय नाउ को, तो इस बाय नाउ का मतलब क्या हुआ? अभी अभी, मतलब उसने अभी अभी थ्री चैप्टर्स फिनिश किया है। जब उसने अभी अभी फिनिश किया है तो ये एक्शन कौन सा हुआ? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। उसने जब अभी अभी फिनिश किया है तो ये एक्शन कौन सा हुआ? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, और जब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात आई तो वो किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसे हमें बनाना होगा इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा हमें यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब हैज़ को लिखना होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो लिखा हुआ है सी सबमिटेड द फॉर्म्स सो फार। अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना पढ़ने की कोशिश करूं, सी सबमिटेड द फॉर्म्स, तो ये सेंटेंस हमने हमें बिल्कुल सही है। ये किसकी बात कर रहा है? कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ही मैंने इसको आगे पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है सो फार। ठीक है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? अभी अभी मीन्स अभी अभी उसने सबमिट किया है फॉर्म को। जब उसने अभी अभी सबमिट किया है तो अभी अभी का मतलब क्या हुआ? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, अब जब ये बात कर रहा है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की, तो ये किस में होगा? ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा? इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट को। मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा? हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा हमें यहाँ पे हैज़। अब इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसा रिवाइज्ड थ्री चैप्टर्स ऑलरेडी। तो हमने इस ऑलरेडी को देखा। ठीक है, इस ऑलरेडी के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा? इस ऑलरेडी का मतलब हुआ अभी अभी। ठीक है, मतलब उसने अभी अभी रिवाइज किया है।
इसका मतलब रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन हुआ, और जब रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इस ऑलरेडी के लिए हमें यहाँ पे इसे क्या बनाना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, हैज़ का यूज़ किया, ठीक है, इस कीवर्ड्स को लेकर। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से समझें, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस अपने आप में सही नहीं है, ठीक है। इस ऑलरेडी की अरेंजमेंट हमें यहाँ ना होकर हमें कहाँ लिखनी चाहिए चाहिए होगी, हमें लिखना चाहिए होगा यहाँ पे वर्ब से ठीक पहले, ठीक है। इस ऑलरेडी की अरेंजमेंट यहाँ ना होकर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए वर्ब से ठीक पहले। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रिसेंटली और लेटली, इन सभी वर्ड का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के आखिरी में। कहाँ करते हैं? सेंटेंस के आखिरी में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ड हमें क्या बताते हैं, ये सभी वर्ड हमें टाइम बताते हैं, इसीलिए इन सभी वर्ड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस के आखिरी में। अगर हम बात करें येट और एज येट की, ठीक है, तो इनका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस के आखिरी में तो करते ही हैं, लेकिन सेंटेंस की जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। सेंटेंस की जो प्रेफरेंस होती है वो निगेटिव होती है। ये क्यों होता है, इसको लेकर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जाके मेरे चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें जस्ट और ऑलरेडी की, तो इस जस्ट और ऑलरेडी का यूज़ हम करते हैं वर्ब से ठीक पहले। कहाँ करते हैं? वर्ब से ठीक पहले हम इसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें इस ऑलरेडी की, तो इस ऑलरेडी की अरेंजमेंट यहाँ ना होकर कहाँ होनी चाहिए? इस ऑलरेडी की अरेंजमेंट होनी चाहिए वर्ब से ठीक पहले, ठीक है। तो इसा हैज़ ऑलरेडी रिवाइज्ड 3 चैप्टर्स, ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बताइए क्या गड़बड़ी है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है केशव हैज़ कंप्लीटेड द नावल रिसेंटली, ठीक है। तो इसको लेकर 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और वो 2 क्वेश्चन क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो केशव हैज़ कंप्लीटेड द नावल, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे रिसेंटली, ठीक है, तो ये रिसेंटली हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। ये कीवर्ड से किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसकी अरेंजमेंट को देखना होगा, अगर हम इसकी अरेंजमेंट को देखें तो इसकी अरेंजमेंट तो सही है, ठीक है, सेंटेंस के आखिरी में है, तो इस अरेंजमेंट की, इस रिसेंटली की अरेंजमेंट सही है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो वो हमारा होता है कि ये जो कीवर्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में करना होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हैज़ कम्प्लीटेड, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये भी अपने आप में क्या है, सही है, मतलब इस सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, 5 की, आई जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें आई जस्ट कॉल्ड माई फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस जस्ट की अरेंजमेंट को देखना होगा, क्या इस जस्ट जस्ट की अरेंजमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वर्ब से ठीक पहले लिखा हुआ है, जब वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो इसकी अरेंजमेंट तो सही है। लेकिन ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इस जस्ट के पहले हमें हैव का यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा तो हमें हैव का यूज़ करना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलचाल की भाषा में इसे गलत बोलते हैं, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि भाई कहाँ है, तो वो कहता है आई जस्ट केम होम, ठीक है, तो ये कहना गलत होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम अभी अभी घर पहुँचे हो, जब तुम अभी अभी घर पहुँचे हो तो रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन हुआ, ठीक है, जब तुम अभी अभी घर पहुँचे हो तो रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन हुआ, तो उसका हम यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, वहाँ पे हमें हैव का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सी डिड नॉट ब्रिंग द लाइब्रेरी बुक्स येट, इस येट को लेकर हमारे सामने 3 क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से? सबसे पहले हमें देखना होगा इस येट की अरेंजमेंट, इस येट की अरेंजमेंट कहाँ है, इस येट की अरेंजमेंट है सेंटेंस के आखिरी में, है
हाँ बिल्कुल है, इस येट के अरेंजमेंट सेंटेंस के आखिरी में है, सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि सेंटेंस जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। जब सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस नॉट को देखा, ठीक है, इस नॉट को देखा तो सेंटेंस हमारा निगेटिव है, बिल्कुल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि ये येट हमें बता रहा है रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन, तो इसे किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इस डिड को हटाकर हमें यहाँ पे लिखना होगा हैज़, ठीक है, और इस ब्रिंग को हटाकर हमें इसको थर्ड फॉर्म में लिखना होगा ब्रॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करिए। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक पढ़ा, सीमा हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, यहाँ तक सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2014। अब इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि उसने अभी अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लेकिन अगर हमने आगे पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ इन 2014, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को, ठीक है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा पास्ट स्पेसिफिक टाइम। और ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम किस में हम बताते हैं, ये बताते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, कहाँ पे यूज़ किया था, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट हमें क्या बताने की कोशिश करता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ये करना होगा, इस हैज़ को हटा के हमें यहाँ पे इसको पास्ट स्पेसिफिक टाइम बनाना होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, ठीक है। अब इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमारे सामने कीवर्ड्स आते हैं, यस्टरडे, डे, डेट, ईयर, मंथ, कोई भी डे या फिर ईयर को अगर हम काउंट करें तो उसको हम जोड़ते हैं अगो के साथ, फिर यहाँ पे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इन द अर्ली ईयर्स। यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ सेलिब्रेटेड हिज एनिवर्सरी, यहाँ तक हमने पढ़ा, इस सेंटेंस में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है, ये रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन बता रहा है। लेकिन हमने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट का स्पेसिफिक डेट, जब पास्ट का स्पेसिफिक डेट लिखा हुआ है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है पास्ट स्पेसिफिक टाइम को, ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ तो ये किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, तो इसलिए हमने इस हैज़ को हटा के इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, ठीक है। अगर हम बात करें संजीव हैज़ कम हेयर यस्टरडे, तो संजीव हैज़ कम हेयर हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने इस यस्टरडे को देखा तो ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें इस हैज़ कम को हटा के क्या लिखना होगा, केम लिखना होगा। फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि कैसे इनका हम यूज़ करें कर रहे हैं। अगर हम बात करें हीना हैज़ इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस 3 days ago, यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई परेशानी है नहीं, हीना हैज़ इन्फॉर्म्ड हर ऑफिस, ठीक है, मतलब वो अभी अभी ऑफिस में, उसने अभी अभी ऑफिस में इन्फॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पूरा पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 days ago, तो ये 3 days ago क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में, ठीक है, कोई भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम जो कि 3 days के बारे में बात कर रहा है, उसके साथ लगा हुआ है अगो, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इस हैज़ को हटाकर हमने इसे क्या बनाया, हमने इसे बनाया पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी हैज़ कम टू इंडिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि गांधी जी अभी अभी आए हैं, तो रिसेंटली कम्प्लीटेड एक्शन हुआ। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे, सोचिए।
तो आप कहेंगे सर हमें पता है, हम जीएस पढ़ते हैं, और जब हम जीएस पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि गांधी जी अभी तो आए नहीं थे। गांधी जी कब आए थे? 1915 में आए थे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये अभी की बात नहीं हो रही, ये बात कब की हो रही है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए समय को निर्धारित किया गया है, ठीक है। जब समय को निर्धारित किया गया है तो हम इसे किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो हमें इस हैज़ कम को हटा के हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? हमें यहाँ पे लिखना होगा केम को, ठीक है। अगर हम बात करें द ब्रिटिश हैज़ रूल्ड ओवर इंडिया, तो हमें पता है कि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर कब रूल किया था, कब शासन किया था हमारे ऊपर, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात हो रही है, तो हमें इस क्या करना होगा? हमें इस हैज़ को हटाना होगा, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया? इससे हमारा एक पॉइंट तैयार हुआ हो गया, और वो ये है कि हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं किसको? पास्ट इंडेफिनिट में हम बताते हैं हिस्टोरिकल इवेंट को। जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं उसे हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्योंकि उनके लिए क्या किया गया है, एक समय निर्धारित किया गया है। जो भी हमारे इवेंट हैं वो किसी पास्ट स्पेसिफिक डेट पर ही हुए हैं, पास्ट स्पेसिफिक डेट या फिर ईयर, जो भी हमारे इवेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो आप बताएंगे इस डेट को हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जो डेट है वो अपने आप में स्पेसिफिक है, और वो पास्ट के स्पेसिफिक डेट पर ही हुआ था। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1857 की क्रांति कब हुई थी तो आप कहेंगे 10 मई। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 10 मई को हुई थी। आप तो 1857 को ही सिर्फ जानते हैं। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यही बात हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी? जब हम बोलते हैं ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से, तब हम यूज़ करते हैं किसका? हम यूज़ करते हैं तब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब हम बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिखने की, तो लिखने के लिए हम उसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। दोनों में फ़र्क है। जब हम बोलते हैं नाटकीय तरीके से, ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो हम उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन हम बात करते हैं लिखने की, तो लिखने के लिए हम उसे लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अब आगे चलते हैं। अब हम इन दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। दोनों सेंटेंस को अब हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, ही हैज़ बिन राइटिंग पोएम्स सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज, यहाँ पे क्या करेक्शन करना सही होगा? यहाँ पे क्या करेक्शन करना सही होगा? कुछ लोग कह रहे होंगे कि इस हैड को हटा दो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैज़ है। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे इस हैज़ को हटा दो। क्यों? क्योंकि हमने रटा हुआ है, और वो क्या कि सिंस के बाद हम किसका करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि दो दो हैज़ आ रहे हैं, दो दो हज़ थोड़ी ना होनी चाहिए। और हम बात करें इस सेंटेंस की, तो आप में से कुछ कहेंगे फिर से यहाँ पे हैड ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हैड ही रहेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो कुछ लोग कहेंगे आप में से कि यहाँ से इस हैज़ को हटा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, तो आपने क्यों कहा कि इस हैड को हटा दो, यहाँ पे हैज़ को हटा दो? अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस, ठीक है। अगर हम बात करें सिंस की, अगर हम बात करें सिंस की, तो हमें पता है कि सिंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिंस हम यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं। हम सिंस का यूज़ करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। सिंस का यूज़ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने किस में यूज़ किया है? प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, और वो क्या है, वो चीज़ क्या है कि हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम सिंस का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है।
आप अपना नोट्स निकाल के देखिए, वहाँ पे हमने लिखवाया है कि जो सिंस होता है उसका यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि कहाँ पे करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों एक्शन को रिलेट करने की कोशिश करें तो ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर, और यहाँ पे ही हैज़ ग्रेजुएटेड, उसने ग्रेजुएट होने का एक्शन कब किया है, अभी किया है या स्पेसिफिक टाइम पर किया है? उसने अभी तो नहीं किया है, उसने कहाँ कब किया है, उसने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे किया है, ठीक है। तो हमने इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करके देखा तो ये जो हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन ये जो उसने ग्रेजुएट होने का एक्शन किया है वो अभी नहीं किया है, उसने किया है पास्ट में, मतलब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे किया है, ठीक है। जब हमने इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करके देखा तो हमें ये समझ में आया कि इसने जो ये जो वर्क कर रहा है वो अभी प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन उसने ग्रेजुएट होने का जो एक्शन किया है वो अभी नहीं किया है, वो पास्ट में किया है, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर किया है। तो अब बात आती है पास्ट स्पेसिफिक टाइम की, तो हमें पता है एक नियम बन गया, और वो क्या है कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है, हो गया ना। इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, पास्ट स्पेसिफिक टाइम हमें बताता है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इस हैज़ को हटा के इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ही हैज़ बिन राइटिंग पोएम्स सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज, तो ये सिंस हमें बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें इस सिंस की, तो इसके पहले हमने किसका यूज़ किया, इसके पहले हमने यूज़ किया परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, और वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है कौन से, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। तो हम इस सिंस के बाद किसका यूज़ कर रहे हैं, इस सिंस के बाद हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट स्पेसिफिक टाइम का, ठीक है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ये किया कि सिंस हमें बताने की कोशिश करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वो भी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे हमने देखा इन दोनों सेंटेंस को हमने रिलेट किया तो ये हमें पता चला कि ये हमें बता रहा है स्पेसिफिक टाइम के बारे में, ठीक है। और वो कौन सा स्पेसिफिक टाइम है, वो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इस हेड को यहाँ से हटाना होगा। यहाँ से हमें ये समझ में आता है, और वो क्या है, वो ये है कि हम यूज़ करते हैं सिंस का, और सिंस हमें बताता है किसके बारे में, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताता है, ठीक है। और जब हम इन दोनों सेंटेंस को रिलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो सिंस होता है वो हमें बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक टाइम के बारे में, किसके बारे में बताता है, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताता है। और जब हमने इन दोनों सेंटेंस को रिलेट किया तो हमें ये समझ में आया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए और ये सेंटेंस होना चाहिए पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं और ये सेंटेंस हमें बता रहा है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में। जब ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यही हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव बिन सर्विंग द गेस्ट सिंस ही हैज़ कम, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ये जो सिंस हमें बता रहा है ये क्या बता रहा है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, तो हमें यहाँ पे इस हैज़ कम को हटा के हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा केम लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें नो बडी हैज़ सीन हिम सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड, तो हमने देखा इस सिंस को हमने देखा, तो हमें यहाँ पे इस हैज़ को हटा के हमें यहाँ पे ही माइग्रेटेड करना होगा, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे लिखा हुआ है तान्या हैज़, क्वेश्चन नंबर 5, तान्या हैज़ बीन ट्रस्टिंग हैज़ ट्रस्टेड देम सिंस ही हैज़ ज्वाइंट देयर क्लब, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमने इसे किस में किया, सिंस के बाद हमने इसको पास्ट के परफेक्ट
पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में हमने इसको बनाने की कोशिश की, तो यहाँ पे हमने इस हैज़ को हटाया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है तान्या हैज़ बीन ट्रस्टिंग, हैज़ ट्रस्टेड। अब यहाँ पे तो बात फंस गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ बीन ट्रस्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हैज़ ट्रस्टेड लिखा हुआ है, तो अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। लेकिन बात नहीं फंसी, क्यों नहीं फंसी, क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, और वो क्या है, सिक्स किसके बारे में, सिक्स उस सिक्स वर्ब्स के बारे में, और वो सिक्स वर्ब कौन कौन सी हैं। पहला हमने पढ़ा था, क्या था पहला, वो सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पजेशन, अपियरेंस और मिसलेनियस, ठीक है। इन छह सेंस के बारे में हमने, इन छह वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार की वर्ब्स का यूज़ हम किस में नहीं करते, हम कंटिन्यूस में नहीं करते, हम किस में करते हैं, इंडेफिनेट में करते हैं। और अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो जब कंटिन्यूस में नहीं करते तो हम इस परफेक्ट के कंटिन्यूस में भी नहीं करेंगे, तो हम इस सिक्स वर्ब्स का यूज़ किस में करेंगे, हम इन सिक्स वर्ब्स का यूज़ करेंगे एक तो इंडेफिनेट में, ठीक है, और दूसरा परफेक्ट में। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो ट्रस्ट है ये हमें क्या बताने की कोशिश करता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है या तो मेंटल प्रोसेस या तो फिर हम कह लें फीलिंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हैज़ ट्रस्टेड करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहना सही है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, इस सेंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सिक्स वर्ब्स हैं इनके कारण हम इसका इनका यूज़, अगर ये सिक्स वर्ब्स का यूज़ होता है तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे इन सिक्स वर्ब्स के कारण। अगर हम इस सेंटेंस को समझे तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, नो बडी हैज़ सीन हिम सिंस ही माइग्रेटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस सीन्स के पहले हमने किसका यूज़ किया, हमने इसी का तो यूज़ किया, हैज़ सीन। सीन क्या बताता है हमें, अपेयरेंस बताता है, ठीक है। सीन हमें क्या बताता है, या फिर हम कह लें सेंस को बताता है, तो जब ये सेंस को बताता है इसीलिए तो हमने उसका यूज़ किया, ये किसको बताता है, सेंस को बताता है। जब ये सेंस को बताता है तो इसी के लिए तो हमने इसका यूज़ किया था, कौन से टेंस में किया था, प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज़ किया था हमने। तो वही बात है कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में तो यूज़ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर इन सिक्स वर्ब का यूज़ हो तो हम यूज़ करेंगे इनको प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंस के पहले वाली बात। हमने पिछले वीडियो में कहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, रवि विल हैव बिन सर्विंग देम सिंस फैब 2020, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं अगर आपसे पूछूं, क्या ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, नहीं, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बता रहा। जब नहीं बता रहा ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ये जो लिखा हुआ है ये हमें नहीं बता रहा है, तो इसीलिए हम सिंस को हटा के किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रॉम का, इसीलिए हम फ्यूचर में, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो भी बात लिखी गई है ये हमें बता रहा है पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में, नहीं बता रहा। अब हमें अगले पॉइंट को समझना होगा, और वो पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है, क्या मैंने आपसे पूछा क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है, यहाँ पे देखिए और आप बताइए क्या सिंस फ्रॉम को रिप्लेस कर सकता है। फिर मैं पूछता हूँ क्या फ्रॉम को सिंस रिप्लेस कर सकता है, क्या फ्रॉम को सिंस रिप्लेस कर सकता है। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सिंस का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिंस का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में,
और फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, सिंस का हम यूज़ करते हैं पास्ट में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं पास्ट में, ठीक है। बात अपनी जगह बराबर है, ठीक है, बात अपनी जगह बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, और वो क्या है कि सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेजेंट और पास्ट अपनी जगह काम कर रहे हैं, ये दोनों प्रेजेंट पास्ट अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं बात करूं क्या फ्रॉम को सिंस रिप्लेस कर सकता है, फिर से देखते हैं, सिंस का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, सिंस का हम यूज़ करते हैं पास्ट में, फ्रॉम का हम यूज़ करते हैं पास्ट में। बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, प्रेजेंट पास्ट अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉम की, तो फ्रॉम का हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन सिंस का हम यूज़ फ्यूचर में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि फ्रॉम का हम यूज़, मतलब फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता, इस फ्रॉम को सिंस रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करें इस लास्ट वीक की, ठीक है, तो इस लास्ट वीक का मतलब क्या हुआ, पिछला, ठीक है। तो ये बात कर रहा है पास्ट का, तो पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का भी यूज़ करते हैं और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिंस भी लिखना सही है और यहाँ पे फ्रॉम भी लिखना सही है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब आने वाला, तो जब बात कर रहा है फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, सिंस का तो यूज़ करते नहीं, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम को। अगर हम बात करें कमिंग वीक, कमिंग वीक मतलब आने वाला वीक, ये भी फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फ्रॉम को, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट वीक, पास्ट वीक लास्ट वीक की तरह ही काम करता है पास्ट वीक, तो ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो पास्ट के लिए हम सिंस का भी यूज़ करते हैं और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सिंस भी लिखना सही है और फ्रॉम भी लिखना सही है, ठीक है। अगर हम बात करें टाइम इमेमोरियल, ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, ठीक है, और टाइम इमेमोरियल किस तरफ इशारा करता है, पास्ट के बारे में बात करता है, तो पास्ट के लिए हम सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें ही लेफ्ट द टाउन, मतलब जब उसने घर छोड़ा, तो वो भी पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो पास्ट के लिए हम सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस और फ्रॉम दोनों का यूज़ किया। अब जहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझा है ना, वहाँ पे हमें एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इन सब कीवर्ड्स का यूज़ किया, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था किसके बारे में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंस और फॉर को लेकर। आप अपने नोट्स निकालिए और उसमें देखिए, मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। आप अपने नोट्स निकालिए फटाफट, अपने नोट्स निकाल लिया होगा और आप उसमें देखेंगे, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था लास्ट संडे, लास्ट संडे के पहले हमने सिंस का यूज़ किया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो संडे बीता वो क्या था, स्पेसिफिक ही था, जो पिछला संडे हमारा बीता वो क्या था, स्पेसिफिक ही था, ठीक है। ही लेफ्ट द विलेज, अब उस इंसान ने जब जिस टाइम पे अपना विलेज छोड़ा, वो उसके लिए स्पेसिफिक ही था, तो इसलिए हमने वहाँ पे यूज़ किया था सिंस, ठीक है, सिंस ही लेफ्ट द विलेज। अगर हम बात करें सिंस हीज इंसेप्शन, तो इंसेप्शन के लिए हमने यूज़ किया था बिगनिंग और बर्थ, तो जब उस इंसान का बिगनिंग या बर्थ हुआ, तो वो उसके लिए स्पेसिफिक ही डेट था, इसलिए हमने वहाँ पे सिंस का यूज़ किया था, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिंस के बाद जो भी हमने यूज़ किया था, वो सभी के सभी फ्रेज या वो सभी के सभी कीवर्ड्स इस पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में ही बात कर रहे हो। वहीं पे जब आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था सिंस यस्टरडे, तो ये यहाँ पे यस्टरडे किसकी बात कर रहा है, यस्टरडे वही तो कीवर्ड्स है, किसका कीवर्ड्स है, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड्स है, और ये बता किसके बारे में रहा है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में, तो वही हमने सिंस के बाद किसका यूज़ किया था, यस्टरडे का यूज़ किया था। और ये लास्ट वीक किसके बारे में बता रहा है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो इसका हम यूज़ सिंस के साथ ही कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि वहाँ पे जो भी हमने फ्रेज लिखे थे, वो सिंस के साथ वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो पास्ट इंडेफिनिट में है, जैसे सिंस वी मेट वहाँ पे हमने लिखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं मिला किसी से, तो वो डेट मेरे लिए, वो समय मेरे लिए स्पेसिफिक ही था, इसलिए वहाँ पे हमने सिंस का यूज़ किया, और सिंस के बाद जो भी हमने लिखा है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। मेट वहाँ पे क्या है, मेट वहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही है पास्ट इंडेफिनिट की। यहाँ पे हमने इन सब को समझा, ठीक है, ये भी किसके बारे में बात कर रहे हैं,
जो हमने यहाँ पे समझा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर सिंस 2016। अगर मैं आपसे पूछूँ क्या इस सेंटेंस में कोई परेशानी है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, ये सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर और यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया 2016, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं इसको टाइम लाइन पर समझूँ फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारे परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के जो भी हमारे सेंटेंस होते हैं उनको समझने के लिए टाइम लाइन एक बेस्ट तरीका है, एक बेस्ट मेथड है, वो है टाइम लाइन। अगर यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने टाइम लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा जो इस समय चल रहा है 2019, इसके पहले मैंने देखा तो यहाँ पे 2018 था, 2017 और ये 2016। अब इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो वो पास्ट के बारे में बात करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, सेंटेंस वन का मतलब हमें ये समझ में आया कि उस इंसान ने 2016 से काम करना शुरू किया है और वो 2019 पे आ गया है, मतलब वो 2019 पे काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 2016 से उसने काम करना शुरू किया और वो 2019 अभी आ गया है और उसका एक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, ये हमने पढ़ा था, उसका एक्शन अभी भी चल रहा है। उसने 2016 से काम करना शुरू किया लेकिन वो अभी रुका नहीं, वो अभी कंटिन्यू काम कर ही रहा है, मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, इसका मतलब हमें ये समझ में आता है। इस सेंटेंस वन का मतलब तो ये हुआ। ठीक है, अब इसी की जगह मैं अगर फ्रॉम का यूज करूँ और फ्रॉम का यूज करके मैं इस सेंटेंस को समझाऊँ तो बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई। क्यों क्यों एक हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिंस के साथ मतलब सिंस को हम सिंस की जगह हम फ्रॉम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेंटेंस वन की, पॉइंट वन की, तो उसकी भी बात यही है और पॉइंट टू की बात करें तो उसकी भी बात यही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करूँ, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर सिंस 2022, क्या ये अपने आप पे कहना सही है, क्या ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं, आपने कहा बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, इस सिंस को हटा के हमने यहाँ पे यूज़ किया इस फ्रॉम को। ठीक है, क्योंकि ये 2022 के बारे में बात कर रहा है और ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया। अगर हम वही यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रेजेंट। ठीक है, और इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये पूरा हमारा क्या है, पास्ट है। ठीक है, और इसी के अगर हम आगे जाएंगे तो ये फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। जब हमने यहाँ पे देखा कि ये फ्यूचर को बता रहा है तो इस फ्रॉम और 2022 जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किया इस हैज़ को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिखा, विल हैव। ठीक है, इस हिसाब से तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर सिंस 2016 टू 2018। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम क्या करते हैं, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बना के चलते हैं। ठीक है, ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम के साथ हम टू का पेयर बना के चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी कंडीशन को रखते हैं, पास्ट की कंडीशन को रखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे इस सिंस को हटा के इस टू के पेयर के साथ मुझे यहाँ पे फ्रॉम लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया फ्रॉम 2016 टू 2018, मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो मैं इसको समझूंगा किससे, टाइम लाइन से, और वो टाइम लाइन हमारी ये है। ठीक है, अगर मैं इसको समझूँ तो ये रहा हमारा 2019, उससे अगर हम पीछे जाएंगे तो वो पास्ट के बारे में बात करेगा, 2018, 17, 16 और 15 पास्ट के बारे में बात कर रहा है, और अगर हम आगे जाएं तो ये फ्यूचर के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम 2016 टू 2018 ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2016 टू 2018। तो अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब हुआ
कि उस इंसान ने 2016 से 2018 तक काम किया। क्या किया उस इंसान ने 2016 से लेके 2018 तक उसने काम किया, ठीक है। अब जब उसने 2018 तक ही काम किया, इसका मतलब कि उसका इस प्रेजेंट से तो कोई लेना है नहीं, उसका इस प्रेजेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और उसने काम कब किया, उसने काम किया पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है। उस इंसान ने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर काम किया। जब उस इंसान ने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर काम किया, इसका मतलब ये किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इससे हमें ये पता चला, और वो क्या कि हम यहाँ पे मेंशन क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस हैज़ बिन वर्किंग को हटाकर यहाँ पे हमें लिखना होगा वर्कड। इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा क्योंकि ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस टेंस को समझना होगा कि इस टेंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने यही समझा टेंस के बारे में, क्या 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 उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन अब हम समझेंगे कि टेंस का हम यूज़ कैसे करते हैं। अगर हम टेंस को समझने की कोशिश करें तो इसके दो पॉइंट हैं। पहला होता है रिलेट करना, क्या मैंने कहा, रिलेट करना। अब हम रिलेट करने के बाद कैसे समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 AM, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये 10 AM किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। ये 10 AM किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, पास्ट की या फ्यूचर की। तो आप कहेंगे सर कैसे बता सकते हैं हम, आइए समझते हैं। हम इसे समझेंगे टाइमलाइन पे, ठीक है। अगर मैं कहूँ अभी मेरे घड़ी में कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 8:30, ठीक है। अभी हो रहा है 8:30 PM, ठीक है। और ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। अगर हम इससे थोड़ा और पहले जाएं तो वो हमारी बात होगी किसकी, पास्ट की, ठीक है। और इससे थोड़ा और आगे जाएं तो वो किसकी बात करेगा, फ्यूचर की बात करेगा, ठीक है। 8:30 PM हो रहा है, तो 8:30 PM तो आज डेट कौन सी है, आज डेट है 12 दिसंबर, ठीक है। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर 10 AM तो 13 दिसंबर को भी बच सकता है, ठीक है। और 10 AM तो आज सुबह भी बच सकता है, मतलब 12 दिसंबर को भी बच सकता है। आप यही कहोगे ना कि 10 AM तो 12 दिसंबर को भी बच सकता है, मतलब आज सुबह। ठीक है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, इस 8:30 को, तो मैं इसको प्रेजेंट कब कह सकता हूं, मैं इसको प्रेजेंट तब कह सकता हूं, या फिर मैं ये कहूं कि मैं इस 10 AM को कब मैं पास्ट कह सकता हूं, मैं इस 10 AM को पास्ट तब कह सकता हूं जब मैं इसको रिलेट करूंगा किससे, जब मैं इसको रिलेट करूंगा प्रेजेंट से, ठीक है। मैं इस 10 AM को फ्यूचर कब कह सकता हूँ, मैं इस 10 AM को फ्यूचर तब कह सकता हूँ जब मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूँगा किससे, इस प्रेजेंट से। इस 8:30 के पहले हम जब जब भी पहले जाएंगे तो वो पास्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। और इसके अगर हम आगे जाएंगे तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो मैं इसको फ्यूचर या पास्ट कब कह सकता हूँ, जब मैं इसको रिलेट करूँगा प्रेजेंट से। तो हमारा ये प्रेजेंट ही वो पॉइंट है जो हमें रिलेट करना बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 AM है वो कब बज रहा है, या तो वो पास्ट में बज रहा है या तो वो बज रहा है फ्यूचर में। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला जब हमने इसको रिलेट किया प्रेजेंट से। इसका मतलब हमें ये पता चला कि हम जब रिलेट करते हैं तो किससे करते हैं, हम जब रिलेट करने की बात करते हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं प्रेजेंट से, ठीक है। अगर हमारे रिलेट करने की बात आती है तो हम उसको रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो इसका ये दूसरा पॉइंट होता है जो होता है ड्यूरेशन। एक होता है रिलेट, एक होता है ड्यूरेशन। अगर हम बात करें जो हमने यहाँ पे समझा, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ड्यूरेशन बता रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो ये भी किसकी बात कर रहा है,
ये भी ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। धन्यवाद।